अस्सलाम वालेकुम जी। तो क्या हाल चाल हैं? अभी मैं सो के उठ चुका हूं और आज हमारी यूनिवर्सिटी में यूथ क्लब के एक स्पीकर ताहा इब्ने जलील आ रहे हैं और कुछ ही देर में नाश्ता नुश्ता करके तैयारी शारी करके हम उनसे मिलने जा रहे हैं। तो नाश्ता कर लिया है, अब हम करते हैं तैयारी। तो मैं तैयार श्यार हो गया हूँ और यूनिवर्सिटी के लिए रवाना हो चुका हूँ। जी तो हम यूनिवर्सिटी में पहुंच चुके हैं। एक यहां से मेन गेट है और एक दूसरा जहां से हम आए हैं, वो इस वजह से वहां से आए हैं क्योंकि मेरे हॉस्टल से ज़्यादा करीब वो है, तो इस वजह से हम वहां से इंटर हुए हैं। और अब हम सेटिंग वगैरह करेंगे जहां ताहा इब्ने जलील ने आना है, अब हम वहां जाएंगे। जी तो हम ये स्टैंड लेके आए हैं डॉक्टर नईम अनवर अल अज़हरी साहब से, जो यहाँ पर जुमा वगैरह पढ़ाते हैं, तो ये वीडियोज़ बनाने के लिए देख सकते हैं जी एम्फी थिएटर, यहाँ पर आना है ताहा इब्ने जलील साहब ने। ये तैयारियाँ शारियाँ हो रही हैं। ये जी हम हैं और ये हमारी सोसाइटी है और ये तैयारियाँ हो चुकी है। तो तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं और ताहा इब्ने जलील हमारी यूनिवर्सिटी में पहुंच चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं सारी लोग वगैरह पहुंच गए। ताहा इब्ने जलील यहां पर मौजूद है। पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहा, जापानीज की बात। जापानीज कहते हैं द शॉर्टेस्ट वे टू अ मैन्स हार्ट इज थ्रू द नाइफ फ्रॉम द चेस्ट, राइट। पाकिस्तानी क्या कहते हैं, मर्द के दिल का रास्ता कहाँ से है? इसलिए हमारे यहाँ पेड़ की बड़ी कदर कीमत है। मेरी शरीयत में आपसे बात करना जायज नहीं है। जी तो ताहा इब्ने जलील को भेजने के बाद और नमाजें वगैरह पढ़ी, फिर उसके बाद एक लेक्चर था वो लिया, फिर उसके बाद अब हम फ्री हुए। ज़्यादा थकावट हो चुकी है वो इस वजह से क्योंकि वो सारा काम जो वीडियो वाला था वो मैंने बनाई और वो सारा काम वहाँ बहुत ज़्यादा देर खड़ा रहा। अब फ्लू भी बहुत ज़्यादा, खांसी भी बहुत ज़्यादा। तो इंशाल्लाह हम यहीं पर अपने ब्लॉग का इख्तिताम करते हैं। हमारे साथ रहिए। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।